हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज अपन बात करने वाले हैं फॉर्च्यूनर के सस्ते वेरिएंट का, मतलब फॉर्च्यूनर लीडर का। गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, और वीडियो को भी लाइक करो। तो गाइस बात करते हैं सबसे पहले अपन इस गाड़ी के बारे में। तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि फॉर्च्यूनर के रेट आजकल काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो इसी को देखते हुए टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का एक मतलब इंजन छोटा करके उसकी प्राइस थोड़ी कम रखने के लिए एक नया वेरिएंट इसका निकालेंगे लीडर करके, फॉर्च्यूनर लीडर करके। तो गाइस हाल फिलहाल तो ये थाईलैंड में ही लॉन्च हुई है, इंडिया में भी जल्द ही लॉन्च होगी, क्योंकि भाई जो चीज़ थाईलैंड में मतलब टोयोटा की जो चीज़ थाईलैंड में लॉन्च होती है उसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया में भी आती है। ये ग्लोबल मार्केट के लिए तो इंडिया में भी आएगी, क्योंकि भाई इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है, इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट है टोयोटा फॉर्च्यूनर के लिए। तो गाइस ये पॉसिबिलिटी है ही कि ये इंडिया में आए। बात करें इसके लुक्स की, तो गाइस लुक्स तो अभी भी किलर लुक्स है जो आते हैं फॉर्च्यूनर के, फॉर्च्यूनर लेते हैं लुक्स के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, वो चीज़ तो अभी भी इसमें मिलती ही है। बात करें जैसे इंजन जैसे इनोवा में है वही इंजन इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, रिलायबल भी है काफ़ी, मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड है वो भी। तो भाई रिलायबिलिटी में तो कोई टेंशन लेने जैसी चीज़ नहीं है इस गाड़ी में। बात करें इसके लुक्स की, तो भाई लुक्स तो भाई फ्रंट से तो गाड़ी मतलब काफ़ी हद तक लेजेंडर लुक टाइप ही है, तो लेजेंडर का लुक है उसमें, फॉर्च्यूनर की लाइट्स उस टाइप का लुक है आगे से। और बात करें रियर की, तो भाई रियर में भी फॉर्च्यूनर लेजेंडर का लुक है ना, उस टाइप का सेम लुक रियर में भी आने वाला है इस गाड़ी में। और बात करें अपन अब क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स की, तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स भी वही रहने वाले हैं, बस थोड़ा प्राइस सब में कम हो जाएगा ताकि काफ़ी अफोर्डेबल हो जाए गाड़ी। बात करें इसकी कैपेबिलिटीज़ की, तो भाई कैपेबिलिटी भी काफ़ी मतलब फॉर्च्यूनर के ही रहने वाली है, मतलब टॉर्क पावर का थोड़ा फ़र्क रहेगा, बाकी कैपेबल भी लगभग उतने जितनी ही लेने वाली है। 4x4 का ऑप्शन आएगा ही इसमें, ऑटोमेटिक मैनुअल और ये सब तो आने ही वाले हैं, 4x2 ये सब इसमें ऑप्शन रहेगा। और मतलब बार बार कह रहा हूँ पर मैं, चीपर हो जाएगी पहले से, ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि टोयोटा फॉर्च्यूनर मतलब एक ब्रांड है, बचपन से ही सपना रहता है कि अपन फॉर्च्यूनर ले बड़े होके, जो कि अब काफ़ी महंगी होगी, मतलब 50 लाख आधा करोड़ रुपया काफ़ी मैटर करता है भाई। और फॉर्च्यूनर मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट मूव है टोयोटा का, ये लॉन्च करें, सस्ती लॉन्च करें, काफ़ी मतलब वापस बोलबाला हो जाएगा। मोनोपोली में तो इंडेवर बंद हुई थी जब गाड़ी की रेट ठीक थी, पर अब तो बिल्कुल ही जैसे 52 लाख 55 लाख, मतलब लग्जरी गाड़ी लेने जाओ ऑडी मर्सिडीज़ उस लेवल की तो अब फॉर्च्यूनर आने लगी है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छा मूव है टोयोटा की तरफ से। गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, थैंक यू। और भाई सपोर्ट चाहिए, बिगिनर हूँ ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। तो भाई आज की इस वाली वीडियो इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।